दोस्तों आप किसी ऐप पर हमको देखते हो, हमारी खबरें सुनते हो तो उसको फॉलो कर लीजिए। YouTube चैनल पर देख रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरों के नोटिस आपके मोबाइल में पहले पहुंचते रहे। फिलहाल देखिए हमारी आज की खास खबर। बस बस हो गया। चार जुलाई को थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में एक व्यापारी के घर पे रात्रि के समय लूटपाट की घटना कारित की गई थी और इस घटना में तत्काल अभियोग पंजीकृत करके SPRA और SP क्राइम के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की टीमें इसके अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लग गई थी। इसमें कल पुलिस टीम को सफलता मिली। इसमें दो अपराधी शब्बीर और रुपेश ये मुठभेड़ में घायल हुए और इनके अतिरिक्त 5 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। कुल 7 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए, जिसमें 4 वो थे जो कि CCTV फुटेज में भी आए थे कि जो घर में घुसे और लूटपाट करके बाहर निकले। इसके अलावा जब इस घटना का अनावरण हुआ तो 2 अन्य अभियुक्त जो पहरेदारी कर रहे थे उनके बारे में पता चला और इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड जो उन व्यापारी जो पीड़ित व्यापारी हैं उनके ही मकान में किराए पे दुकान में चलाता था अजीम नाम का अपराधी, जिसने पूरी प्लानिंग करके इस घटना को कारित कराई थी, उसकी गिरफ्तारी की गई। और इसमें भारी मात्रा में आभूषण और अन्य बरामदगी की गई है। लगभग 15 तोले सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात, 46,000 कैश, असलहे, भारी संख्या में कारतूस और इस घटना में लूटी गई मोबाइल फ़ोन और घटना में प्रयुक्त इनोवा कार भी इसमें बरामद की गई है। इस तरह से पुलिस टीम ने एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य करके, ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था और ये अत्यंत ही चैलेंजिंग केस था जनपद पुलिस के लिए, और इस तरह कंप्लीट गैंग को पकड़ना जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग था। इसमें 2 अपराधी हरदोई के, 2 शाहजहांपुर के, 2 बरेली के और 1 जो किराएदार था पीड़ित व्यापारी का, इसको गिरफ्तार किया गया। इनका आगे गैंग पंजीकरण और आगे और प्रभावी इन पे कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।